बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं मोनिका आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में नए नए एक्सपीरियंस को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, मैं अपने इस चैनल पर आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ किस्से, कहानियाँ, अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें और बात करती हूँ उन फैमिली इशूज़ की जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में होते रहते हैं। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, और आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरू। आज हम बात करेंगे कि अपनी लाइफ में कोई भी बड़ी जीत कैसे हासिल की जाती है, और मैंने हनुमान जयंती के अवसर पर बनाया था कच्चा खाना। कच्चा खाना और पक्का खाना दो अलग तरह के खाने बनते हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर कहे जाते हैं। जो लोग यूपी साइड में रहते हैं उन्हें इस बारे में काफ़ी जानकारी होगी कि कच्चा और पक्का खाना क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के टॉपिक की, कि आपको कोई भी बड़ी जीत अपनी लाइफ में हासिल करनी है तो उसके लिए कैसे हम लोगों को छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ते हैं। जब हम उन छोटे छोटे गोल्स को हासिल करते हैं, वैसे वैसे हम अपनी जीत की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन गोल्स कौन से होने चाहिए और क्या होने चाहिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है आपके काम पर और आपकी जीत पर, कि आपको किस तरह की जीत चाहिए। कुछ लोगों के लिए जीत का मतलब है कि दूसरों के आगे अपने आप को सबसे ऊपर करना, और कुछ लोगों के लिए जीत का मतलब होता है सिर्फ अपने लिए सेटिस्फेक्शन करना, अपनी कुछ चीज़ों को सीखना, अपने अंदर बदलाव लाना। और कुछ लोग जीत सिर्फ इसलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि वो दुनिया में नाम कमा सकें। तो आपके लिए जीत का क्या मतलब है, इसके बेस पर रहते हैं आपके गोल्स। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल कद्दू की सब्जी और रोटी। कढ़ी और चावल रोटी ये मोस्टली कच्चे खाने में ही आते हैं। कढ़ी की पकौड़ियाँ अगर आपकी भी सॉफ्ट नहीं बनती हैं तो मेरी ट्रिक ये ज़रूर अपनाइएगा। मैंने जब बेसन घोला था तो इतना उसको फेंट लिया था कि वो पानी में तैरने लगा था। और देखिए इस तरीके से जो मैं कढ़ाई में पकौड़ियाँ डाल रही हूँ कैसे अपने आप फूलती जा रही हैं। कोई इसमें मैंने सोडा नहीं डाला है और ना ही कोई और मशक्क़त की है इनको फुलाने के लिए, बस इसको अच्छे से फेंट लिया। पकौड़ियों का बचा हुआ बेसन था उसी में मैंने छाछ को डालकर इसको भी अच्छे से फेंट लिया कढ़ी के रसे के लिए। कढ़ी के रसे के लिए अगर आप यूज़ करते हैं छाछ तो वो ज़्यादा बेटर रहती है बजाय दही के। वैसे आप दही भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छाछ जो रहती है उससे कढ़ी का स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। तो लीजिए, मेरी पकौड़ियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं बनके। और इसके साथ, जैसे बाहर कहते हैं ना कि साइड डिश होनी चाहिए, साइड डिश खाने के साथ क्या रहती है, वैसे इंडिया में साइड डिश रहती है पापड़, चटनी, सैलेड। मेन फूड के साथ ये सारी साइड डिश ज़रूर रहती हैं, तो इसीलिए मैंने भी अपनी खाने के साथ साइड डिश तैयार कर ली। और अब मैं इसी कढ़ाई में छौंकूंगी कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी, जिसके लिए मैंने डाल दिया है मेथी दाना और ऊपर से डाल दिया है कटा हुआ सीताफल। और जो सूखे मसाले मैं इसमें डालूंगी वो डालूंगी इसके ऊपर से, जैसे कि हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक। इन सबको डालने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे और ढककर पकने के लिए रख देंगे। ये जो कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी होती है वो ज़्यादातर त्योहारों पर बनती ज़रूर है, क्योंकि पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और रोटी के साथ भी। तो इस तरीके से ये मसाले जब इसमें मिल जाएंगे अच्छे से तो हम इसको ढकने के लिए रख देंगे। कद्दू की सब्जी पहले जब गांव में शादियां होती थी तो उन शादियों में भी बनती थी, लेकिन अब गांव में भी शहरों वाला हाल है कि वहां पे भी वही खाने बनते हैं जो शहरों में बनते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं कढ़ी। कढ़ी के लिए जो मैंने मसाले बनाने हैं उनको एक कटोरी में पानी डालकर घोल लेंगे। सिर्फ मैंने लिया है हल्दी, मिर्च, धनिया, ताकि तेल में डालने से मसाले जले नहीं। तेल में डाली है मैंने थोड़ी सी हींग, जीरा, मेथी, और अब जो हमने जो घोल बनाया था वो डाल देंगे। और घोल जैसे ही देखिए डालेंगे ना, वैसे ही मसाला बिल्कुल पक जाएगा। अगर यही हम सूखे मसाले डालते तो मसाले जलने का डर रहता। देखिए ये एकदम से इसने तेल छोड़ दिया मसाले ने, देख रहे हैं। और अब इसके बाद में जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा ना, उसके बाद में जो हमने बेसन और दही का घोल तैयार करके रखा था हम वो डाल देंगे। और
जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है उतना पानी डाल दीजिए, क्योंकि जब बेसन पकने लगता है जब मैं खाना बनाती हूँ तो टाइमर लगा के करती हूँ कि मुझे कितना टाइम लगता है खाना बनाने में, और एक घंटे में मेरी सब्जी कड़ी भी छुक गई है और चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं, मतलब कि 1.25 घंटे में मेरा पूरा खाना बन के तैयार हो जाएगा। लीजिए, कद्दू की सब्जी भी हल्की सी पकने लगी है, अभी इसमें कसर बाकी है इसलिए इसको फिर से चला के ढक देंगे ताकि इसके जो सीताफल है वो अच्छे से पक जाए। और इधर कड़ी का बेसन भी फूलने लगा है, देखिए इसकी ग्रेवी गाढ़े होने लगी है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और बढ़ा दिया था, क्योंकि जब कड़ी गाढ़ी होती है तो जब हम पकौड़ियाँ डालते हैं ना तो वो पानी सोख लेती है, इसलिए करीब इतना पतला रखिए उसको, बिल्कुल पानी जैसी कड़ी हो, ताकि जब पकौड़ी डालें तो पकौड़ियाँ पानी को अच्छे से सोख लें और सॉफ्ट हो जाएं। ये मैंने बना के रखा था अपने लिए शेक, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एक पाउडर दिया था जो कि मुझे रोज़ाना पीना है, तो मैं इसको चीकू शेक में डाल के बना के पी लीजिए। जब तक मैंने अपना शेक ख़त्म किया है तब तक मेरी कड़ी भी बनकर तैयार हो गई, अच्छे से खदक गई है। अब हम इसमें डालेंगे पकौड़ी, और देखिए पकौड़ी को इस तरीके से फोड़ के तब डालिए ताकि आपकी जो पकौड़ियाँ हैं बिल्कुल सॉफ्ट रहें। अगर आप इस ट्रिक से पकौड़ियाँ डालते हैं कड़ी में तो कभी भी आपकी पकौड़ियाँ जो है वो हार्ड नहीं होंगी और बहुत ही सॉफ्ट रहेंगी, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इस तरीके से कड़ी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये कड़ी आपको कैसी लगी। कड़ी में मैं नमक हमेशा सबसे लास्ट में डालती हूँ जब पकौड़ियाँ भी डाल लेती हूँ, क्योंकि कड़ी जब खदक जाती है बेसन फूल जाता है तब हमें क्वांटिटी का असल में अंदाज़ा रहता है, और इस वजह से बेसन भी और दही भी सही रहता है। तो उसमें मैंने नमक डाल दिया है, और कद्दू भी जो था मेरा वो पक गया है इसलिए उसमें मैंने डाली है थोड़ी सी चीनी, अमचूर और लाल मिर्च पाउडर, और बस इसको अच्छे से करेंगे मैश जैसे हम पाव भाजी को मैश करते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से मैश करने के बाद 2 से 3 मिनट हमें इसे पकाना है, और लीजिए हमारा चटपटा मसालेदार कद्दू बिल्कुल तैयार हो गया। ऐसे सीताफल की सब्जी जो खट्टी मीठी होती है, तीखी होती है, ये पूड़ी और पराठों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर जब भी आप पूड़ी या पराठे बनाएं तो इस सब्जी को ट्राई एक बार ज़रूर करिएगा, बहुत ही ये टेस्टी लगती है पूड़ी पराठों के साथ। और इस तरीके से ये देखिए मेरी सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है सीताफल की, और कड़ी भी पकने वाली है, क्योंकि पकौड़ियाँ डालने के बाद ज़्यादा देर उसको पकाना नहीं होता, मुश्किल से 4 या 5 मिनट तक अगर कड़ी को पकाएंगे तो आपकी कड़ी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और अब इसमें कड़ी में मैंने डाला है करी पत्ता। करी पत्ता अगर आप ऊपर से छौंकते टाइम डालेंगे तो वो अभी अच्छा लगता है, लेकिन मैं करी पत्ता हमेशा ऊपर से डालती हूँ, और लहसुन का तड़का भी लगाती हूँ, क्योंकि लहसुन का तड़का जब हम घी का बनाते हैं और ऊपर से छौंक की तरह सर्व करते हुए डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और चावल भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो इस तरीके से मेरा ये पूरा खाना तैयार हो गया है, और साइड डिश में जो मैंने पापड़ बनाए थे उसके साथ मैंने सैलेड भी काट के रख लिया है। आज जो मैंने आपसे सक्सेस की बात करी थी कि किसी भी बड़ी सक्सेस को पाने के लिए छोटे छोटे गोल्स हमें तैयार करने पड़ते हैं, और जब हम उन छोटे गोल करते जाते हैं और उनसे जो अचीवमेंट मिलती है उसमें खुश होते जाते हैं तो हमें बहुत ही तसल्ली मिलती है, और हम अपनी नई बड़ी सक्सेस के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी उन छोटे गोल्स को अचीव करने में हर्डल्स आए हैं हमें जब वो सक्सेस मिलती है तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है। अगर आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।